हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनिमी डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको SCT EBT का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया है, देखिए, नोटिफिकेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 4 SEM एक्स रेगुलर समर एग्जामिनेशन 2020। जो 2020 समर एग्जामिनेशन हुए हैं एक्स रेगुलर स्टूडेंट का, उनका रिजल्ट आ चुका है। The list of the student as uploaded in the Vidyapeeth are declared to have provisionally passed fail in 4 semester examination. The result is available through institution ID. Can view their own result by putting their registration number, name and date of birth in SCT BT using view result option. आप result में जाकर अपना result देख सकते हैं। उसमें आपको registration number, name और अपना date of birth डालना होगा। और principal को request की गई है कि वो उनकी marksheet download कर लें अपने institute में और signature put कर दें, और जब भी student को चाहिए हो तो वो उससे issue करा सकें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। जब आप रिजल्ट देखें तो जरूर अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। उसके अलावा मैं एक नोटिफिकेशन जो आया है, मैं उसके नोटिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ। ये नोटिस आया, देखिए, नोटिस ऑन ऑनलाइन एग्जाम ऑफ 1st, 2nd, 3rd semester एक्स रेगुलर एग्जाम 2020-2018 सिलेबस, 2018 जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनके भी जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका नोटिस आया है। तो देखिए, ये नोटिस आया है, इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट इन SCT BT डिपार्टमेंट, ये वाला लेटर जो है एक्स रेगुलर स्टूडेंट जो है 1st, 2nd, and 3rd semester ऑफ न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं 1st, 2nd और 3rd semester के, ऑनलाइन मोड में दिसंबर में उनके एग्जाम होने जा रहे हैं। एक्स रेगुलर स्टूडेंट ऑफ 2018 सिलेबस हु हैव फिल्ड अप देयर फॉर्म ऑफ 1st, 2nd, 3rd semester समर एग्जाम एज पर प्रोसीजर आर एलिजिबल टू अपियर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो भी एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd जो सेमेस्टर के रीअपियर का फॉर्म भरा था वो ऑनलाइन एग्जाम में अपियर हो सकती हैं, और उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जैसा स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अबव ऑनलाइन एग्जाम ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट इन द ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल फॉर द पर्पज। उनको इसलिए रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल पे, और सिर्फ थ्योरी के पेपर का ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रैक्टिकल पेपर का रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर शैल बी डन इन SCVT ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेब पोर्टल फ्रॉम 10 AM टू ऑफ 10 December to 12 December। और वो ऑनलाइन पोर्टल पे कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा। और ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम में अगर किसी ने अपियर होना है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल एंड विद जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका तब कंप्लीट माना जाएगा जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप इंडिकेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंप्लीट। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की जनरेशन नहीं होगी रजिस्ट्रेशन स्लिप की, इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा थ्योरी एग्जाम में अपियर होने के लिए। तो ध्यान से देखना और अपना रजिस्ट्रेशन 10 December से 12 December के बीच में आपको कराना है। और स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जाम फ्रॉम द एग्जाम सेंटर इन देयर ओन इंस्टीट्यूट। और जो स्टूडेंट अलाउ किया जाएगा अगर वो एग्जाम सेंटर अपने इंस्टीट्यूट में ही पेपर देना चाहते हैं। और हाउएवर द स्टूडेंट आर एट लिबर्टी टू अपियर एट होम यूजिंग एंड्रॉयड बेस। और अगर वो घर से ही अपियर होना चाहता है तो वो घर से भी अपियर हो सकता है इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। और एवरी पॉलिटेक्निक शैल बी ट्रीटेड एज एग्जाम सेंटर हु आर प्रोवाइड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी जो भी पॉलिटेक्निक है सभी को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जा सकता है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, बैंडविड्थ जो है नेट की सही आ रही है। और इट इज बींग प्लान टू कंडक्ट सच एग्जामिनेशन थ्रू रिमोट प्रोटोकॉल फॉर दिस पर्पज। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, 512 KBPS की स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की ताकि आपका कोई भी कनेक्शन नहीं कटे। और एग्जाम जो होगा वो MCQ टाइप होगा और थ्योरी सब्जेक्ट 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। द अबव ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम शैल बी टेंटेटिवली फॉर्म। और जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे वो 17 से 22 दिसंबर तक, उन्होंने इसकी डेट शीट आ जाएगी आपकी, और 17 से 22 दिसंबर के बीच में होंगे। और जो प्रैक्टिकल होंगे वो फिजिकल मोड में 11 से 15 दिसंबर के बीच में होंगे। अदर फीचर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम सेम एज द 6th and 5th। और जब बाकी जो 6th और 5th semester में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सेम वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो ये नोटिस आया है आपके ऑनलाइन एग्जाम का, आई होप के समझ आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।